किसको मालूम था कि 15 सालों बाद मध्य प्रदेश की सत्ता में आई कांग्रेस एक आंधी में सिमट जाएगी। 2 साल भी पूरा नहीं हुआ और ख्वाहिशें भी अधूरी रह गईं। आखिर में इस्तीफा सौंप कर ही संतुष्ट होना पड़ा। जी हाँ, मध्य प्रदेश में अब कमलनाथ सरकार नहीं रही। कमल के चक्रव्यूह में फंसकर कमलनाथ को सत्ता से हाथ धोना पड़ा। 1 साल 3 महीने और 2 दिन पहले की ये तस्वीर गवाह है कि कैसे कैसे कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को अपना बनाया था और कैसे मध्य प्रदेश की जनता ने उन्हें चुना था। लेकिन अब ना वो सरकार रही और ना ही दिग्विजय सिंह शरीके कांग्रेस के दिग्गजों का टोटा काम आया। हालांकि इस दौरान कांग्रेस ने पूरी कोशिश की सरकार बचाने की, लेकिन हालात काबू से बाहर हो गए और विधायक किसी और के हो गए। आखिर में जान लीजिए कि सियासत में कितना बड़ा नाम है कमलनाथ और कैसे 1 साल 3 महीने 2 दिन के बाद कमल के सामने हार मान गए कमलनाथ। कमलनाथ ने 1980 में पहली बार लोकसभा चुनाव जीता, 1991 में पहली बार केंद्र में मंत्री बने, 1995 से 96 के बीच कपड़ा मंत्रालय संभाला, 2004 में यूपीए की पहली सरकार में कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री संभाली, 2011 में उन्हें अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री दी गई। सोनिया गांधी के भी वो बेहद करीबी रहे और बेहद विश्वास पात्र। जाहिर है सत्ता खोने का दुख तो हुआ ही होगा, लेकिन अपने ही साथ नहीं देंगे, इससे अनजान कमलनाथ को इस्तीफा देना पड़ा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।